हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ बैंक निफ्टी के बारे में कल के वीडियो में मैंने आप एक डिटेल्ड एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का और हमने कुछ लेवल्स भी डिस्कस किए थे सो so, ये लेवल्स थे सपोर्ट uh, जो इमीडिएट सपोर्ट था वो थर्टी का था और इमीडिएट रेजिस्टेंस था थर्टी से लेके थर्टी ओके सो ये लेवल मैंने अपने कल के पोस्ट में भी मैंशन किए थे अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं तो वहाँ पे ये सारे लेवल्स मैंने मेंशन किए थे आज किस तरह का प्राइस एक्शन रहा किस तरह का हमें मूवमेंट देखने को मिला और उसके बेसिस पे हमें कल किस तरह का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है और व्हाट आर द लेवल्स जो हमें कल के लिए और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए कंसीडर करने चाहिए ओके okay? सो so, जो लेवल्स मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे वो लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे फॉर द इंटायर वीक ओके और अगर कुछ चेंज होता है तो आई विल एनी वे अपडेट आई द हेयर और ऑन ट्रेडिंग डॉट कॉम ओके सो आज अगर हम देखें बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था थोड़ा सा स्लाइटली कैप डाउन था लेकिन हमारा जो सपोर्ट था थर्टी फाइव सेवन एटी वन उस लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ था और उस लेवल को सस्टेन भी किया आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर ही बैंक निफ्टी आज टिका रहा और जो रेसिस्टेंस है ये सेम रेसिस्टेंस लेवल भी मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे तो उस लेवल पे हमें थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली लेकिन आज की जो कैंडल है एक तरह से बुलिश कैंडल है लेकिन एक रेंज के अंदर बनी है आप अगर यहाँ पे कल के वीडियो में भी जैसे मैंने बताया था कि पिछले दो सेशन से एक साइडवेज मूव हम देख रहे हैं क्योंकि पिछले जो ट्रेडिंग सेशन का मूव था वो काफी ज्यादा तेजी हमने कम टाइम में देखी थी तो इस तरह का प्राइजेक्शन हमें यूजुअली देखने को मिलता है जब प्राइजेस कम टाइम में ज़्यादा तेज़ी दिखाते हैं तो हमें एक साइडवेज मूव देखने को मिलता है ओके okay? तो आज के सेशन में ही उसी रेंज के अंदर हमने ट्रेड किया लेकिन आज की कैंडल अगर आप देखें एक बुलिश कैंडल है ये इंडेसाइजिव कैंडल नहीं है पिछली दोनों कैंडल अगर आप देखें दोनों इंडेसाइजिव है लेकिन आज की कैंडल एक बुलिश कैंडल है जो ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास क्लोज हुए ओके okay? और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है इस टाइम पर एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ लास्ट वीक की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पर हुई है तो वीकली चार्ट हमारा काफ़ी पॉजिटिव है और क्योंकि ये वीकली चार्ट हमारा पॉजिटिव है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वीक में भी हमें अच्छी तेजी या अच्छा मूव हमें ऊपर की साइड बाग निफ्टी में देखने को मिल सकता है ओके सो लेवल्स कल के लिए सेम रहेंगे जब तक ये सपोर्ट लेवल थर्टी फाइव सेवन एटी वन यहाँ पर इंटेक्ट है कोशिश करेगा बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल टेस्ट करने का और अगर ये लेवल यहाँ पर टूटते हैं तो फिर एक मूव हमें बहुत ही फास्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है तो कल का जो व्यू था बैंक निफ्टी के वीडियो में वो व्यू इंटेक्ट रहेगा क्योंकि प्राइज एक्शन ने ऑलमोस्ट वैसे ही रिएक्ट किया है जैसे कल के वीडियो में हमने एक्सपेक्ट किया था ओके okay? तो इसीलिए जो भी हमारा व्यू था वो अभी भी बना हुआ है ओके okay? एक बार आवरली चार्ट देख लेते हैं और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम और आर देखेंगे तो आज का वॉल्यूम ठीक ठाक था आर 60 के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूस अभी भी सपोर्ट ले रही है उसके ऊपर ट्रेड करिए तो मोमेंटम वॉल्यूम प्राइस एक्शन यहाँ पर तीनों अभी भी अच्छे बने हुए हैं ओके और आज की क्लोजिंग भी अच्छी हुई है तो कल की आ, ओपनिंग आ, या तो फ्लैट होगी या फिर गैप अप ओपनिंग भी हो सकती ओके और लेकिन अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के नीचे मिलती है तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा क्योंकि मैंने कल के वीडियो में आपको और बताया था कि मेजर ट्रेंड अभी भी तेजी का है ये एक इमीडिएट सपोर्ट है लेकिन जो मेजर सपोर्ट आप देख रहे हैं वो करीब पैंतीस एक सौ से लेके पैंतीस दो सौ का है ओके तो जब तक ये वाला सपोर्ट जोन इंटैक्ट है तेजी का ट्रेंड बना रहेगा लेकिन इमीडिएट सपोर्ट हमारा ये है ओके okay? सो so, इन चीज़ों में आप थोड़ा सा डिफरेंस समझिए वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं ओके okay? ये इंटरडे लेवल्स नहीं है आवली चार्ट की बात करें तो आवली चार्ट पे भी अगर आर देखेंगे तो कंटिन्यूसली सिक्सटी के ऊपर सपोर्ट दे रही है और आली चार्ट पे क्लियरली एक रेंज यहाँ पर देख सकते हैं रेंज का लोअर एंड है थर्टी फाइव सेवन एट वन का और अपर रेंज आप यहाँ देख रहे हैं छत्तीस तो दो सौ पचास से लेके छत्तीस तीन तक की ओके और ये मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कल अगेन हो सकता है प्राइस इसी रेंज के अंदर ट्रेड करें या फिर हमें रेंज से ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है अगर रेंज से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो हम आगे तेजी मैंग निफ्टी में और अच्छी देख पाएंगे ओके और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है मैंग निफ्टी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिख मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें